नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का बिहार के इस बुलेटिन में। बिहार में बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सदन के अंदर बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर जमकर हंगामा किया। बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर एमएलसी प्रमोद कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ने सभी गरीबों के घर में बिजली की रोशनी की है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार बिजली दरों में बढ़ोतरी कर रोशनी को छीनना चाहती है। राजस्व का घाटा हो रहा है, वह गरीब गुरबा किसान मजदूर शोषित वंचितों जो आज बिजली की रोशनी में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उनसे बिजली का वृद्धि करके उस गरीबों की जिंदगी सी रोशनी नीतीश कुमार जी छीन रहे हैं, जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जो आज नरेंद्र मोदी जी ने गरीब गुरबा शोषित वंचित पीड़ित गाँव में जो बिजली की रोशनी देने का काम किया है, उस रोशनी को आप नीतीश कुमार जी बिजली का वृद्धि करके उनसे आप घर की रोशनी को छीनने का काम मत कीजिए। आप बिजली वृद्धि को जो आपने बढ़ाया है उसको आप कटौती कीजिए और गरीब के घर में जो बिजली जल रही है उस बिजली को जलने दिया जाए। वह बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास करते हैं, बीजेपी ने नौजवान लवकुश को बढ़ाने का काम किया है, लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी पर परिवार के लिए काम करते हैं। साथ ही बीजेपी विधायक ने कहा कि जेडीयू और आरजेडी ने समाज के सीने में खंजर मारने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास पर काम करने वाले हैं। हमने नौजवान लव कुश को बढ़ाने का काम किया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुढ़े हो चले हैं, वो कहीं ना कहीं अब वो रिटायरमेंट हो गया है उनका, और हमारा जो लव कुश समाज है और नौजवानों की पीढ़ी है, राम के साथ लव कुश और सब समरस समाज के निर्माण का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास पर काम करने वाली पार्टी है। वह चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सारण में जन सुराज पदयात्रा के दौरान एक आम सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज बिहार के लोग मजदूरी करने दूसरे राज्यों में जाते हैं, जहां उनके साथ बदसलूकी की जाती है। दूसरे राज्यों में बिहार के लोगों के साथ मारपीट आम बात हो गई है, लेकिन इसकी जिम्मेदार यहां की राज्य सरकारें हैं, जिसकी लचर व्यवस्था ने हमें दूसरे राज्यों में गाली सुनने और मार खाने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसके चलते यहाँ के बच्चों को बाहर जाकर पढ़ाई और मजदूरी करनी पड़ती है। अरे हम लोग बुर्बक नहीं है, यहाँ के नेताओं ने हम लोग को बुर्बक बना दिया है। बिहार तो ज्ञान का भूमि रहा है, देवताओं को भी आकर यहाँ ज्ञान मिला है। 1500 साल तक ये देश के राजनीति में बिहार केंद्र बिंदु था। आज हमने के दुर्दशा ऐसा हो गई बा कि हमने के लइकन के पढ़े खातिर या मजदूरी करे खातिर दर दर के ठोकर खाए पड़ता। तो 26 MP का राज्य है गुजरात, गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक, आ हमनी के लेकर 40 MP वाला बिहार के राज्य जाके वही फैक्ट्री में करता हूँ मजदूरी। कहीं बदले के चाहे कि ना बदले के ही बताए। वह मधेपुरा में हिंदी नववर्ष के मौके पर ऋषि श्रृंग आश्रम बाबा भोले की नगरी सिंहेश्वर धाम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सिंहेश्वर के शिवगंगा घाट पर 15,000 दिए जलाए गए। साथ ही काशी से आए पंडितों द्वारा भव्य संध्या आरती की गई। इस मौके पर स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। वह सीतामढ़ी के पुनौरा स्थित कामनी विवाह भवन परिसर में ब्रह्मऋषि सेना ने सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन किया, जिसमें सीतामढ़ी शिवहर समेत पड़ोसी देश नेपाल के सीमावर्ती इलाके से आए 108 बरुओं का उपनयन संस्कार किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संयोजक राम हृदय मोहन समेत कई लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि ललितेश्वर राय ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान समय में अपव्यय और आडंबर से समाज को बचाते हुए सामूहिक उपनयन संस्कार किया जाना प्रशंसनीय है। ब्रह्मऋषि सेना सीतामढ़ी द्वारा विगत 6 वर्षों से सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें सामाजिक सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित
इस वर्ष 108 बरुआ का सामूहिक उपनयन संस्कार किया जा रहा है, जो 108 गांव के बरुआ हैं, कुछ नेपाल से भी हैं और सीतामढ़ी जिला से ज़्यादा हैं सिवर से भी। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए, बाह्य आडंबर को रोका जाए और शिक्षा से ही संस्कार बढ़ता है। तो शिक्षा में इंजीनियरिंग, मेडिकल, अन्य कार्यों में बच्चों के पढ़ाई में खर्च हो, वह दिखावा में खर्च नहीं हो। वह दरभंगा में सड़क पर हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया है, जिसका मुस्लिम संगठन बेदारी करवा के प्रमुख नजरे आलम ने खुलकर विरोध करते हुए मामले में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए बैनर को हटाकर FIR दर्ज कर ली है। वह हिंदू संगठन ने इस कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताया है। मामला ये सामने आया है कि कल दिन भर लगभग लगा रहा था एक घंटा तक इसमें हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ था, कुछ आवेदन आए, कुछ कंप्लेंट्स आई, जिससे कि स्पष्ट पता चला कि दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को खुश हो जाने का काम किया गया है, स्पष्ट देखा भी गया, पुलिस की फोर्स भी वहाँ गई, इसीलिए सूचना संकल्प के आधार पर जो मुझे समझ कार्रवाई होनी चाहिए वो की जा रही है। इसको हम लोग तुरंत अविलंब हमने SSP साहब को निर्देश दिया कि इसको हटाने के लिए, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करें। भारत लोकतांत्रिक देश है और ये संविधान की परंपराओं से चलता है। जो लोग इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम देते हैं वो असामाजिक व्यक्ति हैं, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सीतामढ़ी में रामनवमी को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के जवान सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करते दिखे। ये फ्लैग मार्च नगर थाना परिसर से शुरू महसौल तक निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी का त्यौहार मनाने की अपील की। खबर बक्सर से है, जहां मुक्त कारागार से 52 साल का एक कैदी फरार हो गया है। इस घटना से जेल के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सजा प्राप्त अपराधी को मुक्त कारागार में रखा गया था, जहां वह काम करने के लिए जेल से बाहर गया, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। इसकी जानकारी शाम को कैदियों की गिनती करते समय हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में गंभीरता से कार्रवाई में जुटी हुई है। वह मोकामा के हाथीदह में गंगा स्नान के दौरान दो किशोरी नदी में डूब गए, जिसमें एक किशोर की मौत हो गई है, लेकिन स्थानीय लोगों ने दूसरे की जान बचा ली है। गंगा नदी पर निर्माणाधीन प्रोजेक्ट और मोकामा के आपदा प्रबंधन अधिकारियों की लापरवाही से एक हफ्ते में नदी में डूबने की दूसरी घटना है। प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों में काफी नाराजगी बनी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ उसको इसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। जो घाट स्नान के लिए था उसको उसने अपने काम के लिए अगर इस्तेमाल किया है तो उसको यहाँ सेफ्टी वॉल लगाना चाहिए था, बोर्ड लगाना चाहिए था, एक दो गार्ड खड़ा करना चाहिए था, लेकिन किसी ने आज तक इस प्रकार का कोई काम नहीं किया है। क्योंकि और यह घटना प्रत्येक सप्ताह में एक दो घटता है। सूचना मिला थाना अध्यक्ष के द्वारा कि शिशुपाल पांडे उम्र है 14 बरस, उनका पिता है पुरुषोत्तम पांडे, उसका घर पड़ता है गिद्धौर के नजदीक है, गंगरा बस्ती का है, स्नान करने के लिए आए थे, ज्यादा पानी में चले जाने के बाद में समा गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको निकालने का और अथक प्रयास कर रहे हैं निकालने का। वे भागलपुर के भूड़ी पश्चिम थाना क्षेत्र में बगीचा में युवक का शव मिलने से इलाके में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक निजी कंपनी में फाइनेंस का काम करता था, जो बीते 16 मार्च को अचानक लापता हो गया था, जिसके बाद कुछ लोगों को उसका शव बगीचे में प्राप्त हुआ। युवक की मृत्यु की सूचना से परिजनों में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यहाँ पर तो लाश था, वो एक लेडीज था, लेडीज ने बोला मोबाइल इधर धरा हुआ है, उठा के फोन कीजिए। हम फोन कीजिए, क्या देखे थे आप? हम तो लाश देखे थे। आज सूचना अभी फोन आया था, मतलब कि किसी ने यहाँ से फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा, मुझे क्या बोलते हैं, एक शव मिला हुआ है जो, और तो हम लोगों को लगा शंका, लेकिन कंफर्म नहीं हुए थे तब। हाँ, आपको मतलब अश्विनी जी के थ्रू सब कुछ कंफर्म किया गया और फोटो जब देखे तो लग गया, क्योंकि भाई को कौन नहीं पहचानता है। वह लखीसराय जिले के क्यूल रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ट्रेन की चपेट में आकर बुरी तरह से जख्मी हो गया है। घायल अवस्था में उसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए घायल को सदर अस्पताल में भेज दिया गया। क्यूल रेलवे थाना द्वारा एक पेशेंट अनकॉन्शियस स्थिति में लाया गया था, हेड में
इंजुरी की कोई इंटेंडेंट उनके साथ नहीं, तो प्राथमिक उपचार कर दिया गया और ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रेन में ये चोट है, सीटी स्कैन लिख के और हायर सेंटर उनको रेफर किया गया। क्या स्थिति है पेशेंट की? माथा में चोट लगा है, डॉक्टर बोल रहे कि इस स्थिति में नहीं है, उनके परिजन अभी आए हैं और उनको कुछ और उपचार के लिए बाहर लेके जाना चाहते हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।